फ्रेमवर्क है ये हम लोगों ने लोकल कम्युनिटीज और रिसर्चर्स uh, की कैपेसिटी बिल्डिंग करते हुए डेवलप uh, किया है और जो हमने काम वैलीज़ के अंदर किया है पिछले छः महीनों में उसमें लोकल टीम्स ऑन द ग्राउंड हैव बीन टेस्ट रनिंग दिस फ्रेमवर्क इन जगहों को कैसे रिस्टोर किया जाए इनको Uh, कैसे अवाम के लिए एज इज़ हम प्रजर्व uh, वो कर सकें दिखा सकें लोगों के लिए हमारा कल्चर क्या है हमारा रहन और सहन क्या था क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए फोकस कर रहे हैं कि यहाँ के कल्चर को देर आर सम आर डिमिनिशिंग बिल्कुल दे आर एट लॉर ऑफ रिस्क दे आर थ्रेटन फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ फेस्टिवल्स हैं कुछ ऐसे पेस्टोरल प्रैक्टिसज हैं जो कि लोगों की कनेक्टेड हैं विद द लैंड लेकिन क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से Uh, मौसम की तब्दीली की वजह से इंटेंसिटी ऑफ द विंटर्स या समर्स की वजह से वो प्रैक्टिसज़ आपकी ख़त्म हो रही हैं दिलगित बल्तिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मुख्तलिफ़ानें हैं आपने देखा होगा कि छोटी सी इस खूबसूरत सरजमीन पर पाँच छः किस्म के बहुत खूबसूरत ज़बानें भी हैं तो इन जबानों के अपने अपने एक कल्चर भी है अपने अपने एक रहन व सहन है असल आप देख रहे हैं आयमन न शबीर प्रोग्राम नज़रिन प्रोग्रामूबरों में आज हम डिस्कस करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में होने वाला एक अहम इवेंट जो कि हेरिटेज एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर हुआ था बल्कि आज ही खत्म हुआ दो रोज़ा ये एक वर्कशॉप था बड़ा इंपॉर्टेंट इस वजह से था कि ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो हमारा हेरिटेज है बिल्ड हेरिटेज है और फिर एक क्लाइमेट चेंज जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है तो जाहिर है गिलगित बल्तिस्तान में भी लोग परेशान हैं हम भी परेशान हैं इसी हवाले से बात करेंगे मेरे मेहमान हैं डॉक्टर जहरा हुसैन डायरेक्टर हैं एक अदारे का लाज वर्ल्ड इस अदारे का नाम है और हेरिटेज के ऊपर काम करते हैं करता है ये इदारा और मेरे दूसरे मेहमान जोगित बल्चिस्तान गवर्नमेंट में मिनिस्टर टूरिज्म राजा नासिर अली खान दोनों मेहमानों का शुक्रिया क्विकली जहरा साहिबा मैं आपकी तरफ आता हूँ दो रोज़ा वर्कशॉप पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से थे बाय द वे इस वर्कशॉप में बाद में हम देखते हैं कि इसके ऊपर हुआ क्या पार्टिसिपेंट्स हमारे डाइवर्स बैकग्राउंड से थे मुख्तलिफ़ डिसिप्लिन से थे और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए थे सो so, गांचे डिस्ट्रिक्ट से ले लेके कैलाश वैली तक हम लोगों ने मुख्तलिफ वैली से पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट किया था तो ऑब्जेक्टिव क्या था ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोग एक फ्रैजाइल हेरिटेज फ्रेमवर्क डेवलप कर रहे हैं टू मैप इंडिजनस एंड एट रिस्क हेरिटेज प्रैक्टिसेस एंड एसिड्स जो कि माउंटेन एरियाज़ के अंदर पाए जाते हैं और uh, इस फ्रेमवर्क के तहत हम ये कर सकते हैं कि हम लोग लैंडस्केप लेवल पे और एसिड लेवल पे आइडेंटिफाई uh, कर सकते हैं हेरीटेज एसड्स को और फिर उनकी प्रोटेक्शन के ऊपर काम कर सकते हैं ठीक है अभी इसके आइडेंटिफिकेशन के ऊपर मतलब काम स्टार्ट करेंगे आप यही है। हम लोग ऑलरेडी इस फ्रेमवर्क को टेस्ट रन कर चुके हैं तीन मुख्तलि वैलीज में पिछले एक साल अच्छा। में हम लोगों ने स्कर्दू में खरमंग वैली के ऊपर फोकस किया है गिजर में यासीन वैली के ऊपर काम किया है और चित्राल साइड पे हम लोगों ने कालाश वैली में फोकस किया है तो क्या अब तक की फाइंडिंग्स हैं हम लोग की फाइंडिंग्स uh, से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जो फ्रेमवर्क है ये हम लोगों ने लोकल कम्युनिटीज़ और रिसर्चर्स uh, की कैपेसिटी बिल्डिंग करते हुए डेवलप uh, किया है और जो हमने काम वैलीज़ के अंदर किया है पिछले छः महीनों में उसमें लोकल टीम्स ऑन द ग्राउंड हैव बीन टेस्ट रनिंग दिस फ्रेमवर्क तो उसके अंदर वी हैव बीन एबल टू मैप टैजबल हैरीटेजिज़ एज़ वेल एज़ इन टेंजल हेरीटेजिज़ज़ज़ज़ज़ तो hmm. ये एक इम्पॉर्टेंट uh, हमारा एस्पेक्ट uh, था और इसके hmm. अंदर जो हमने इन्वेंटरी बनाई है मुख्तलिफ वैलीज़ uh, में hmm. तो तकरीबन हम लोगों ने सिक्सटी टू सेवेंटी टेंजबल एसेट्स एंड अबाउट थर्टी टू फोर्टी इन टेंजबल एसिड्स जिसके अंदर पोइट्री फोक लोर म्यूजिकल ट्यून्स वग़ैरह आती हैं और स्किल्स आती हैं क्राफ्ट स्किल्स आती हैं उनको हम लोगों ने ऐड में आपके पेट्रोग्लिफ्स uh, आते हैं मेगालिथिक स्टोन सर्कल्स आते हैं फोर्ट्स uh, आते हैं uh, और uh, दूसरा एवरी डे आर्किटेक्चर जो कि लोगों का है वनाक्युलर सेटलमेंट्स वो आते हैं इसकी लिस्टिंग की आपने बात की जी बिल्कुल इसको थोड़ा सा वजाहत इसकी करेंगे uh, हम लोगों ने बेसिकली uh, जो फ्रेमवर्क डेवलप किया है उसके अंदर एक हमारे पास परफॉर्म है जिसके अंदर हम लैंडस्केप लेवल के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन uh, करते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट द हेरिटेज लैंडस्केप इज फिर हम लोग सीजनल uh, कैलेंडर को मैप करते हैं टू अंडरस्टैंड के सीजंस के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं और सीजंस के साथ जो फेस्टिवल्स और लोगों की प्रैक्टिसेस uh, उसके साथ जो जुड़ी हुई हैं वो किस तरह से चेंज हो रही हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और फिर उसके बाद हम एसेट लेवल पे uh, एक बहुत डिटेल परफॉर्मा फिल करते हैं जिसके अंदर हम रिस्क टू द एसेट को भी डॉक्यूमेंट hmm. uh, कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड कि उसको करंट रिस्क क्या है या उसको

Uh, मौसम की तब्दीली की वजह से इंटेंसिटी ऑफ द विंटर्स या समर्स की वजह से वो प्रैक्टिस आपकी ख़त्म हो रही हैं या उसके से जो जुड़े हुए म्यूजिकल ट्यून्स हैं या इस किस्म की चीज़ें हैं दोज आर थ्रेटेंड तो हाँ, ये हमारी कुछ फाइंडिंग्स हैं बट द मेन आइडिया ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज कि हम एक फ्रेमवर्क डेवलप करें जो कि फिर आगे गवर्नमेंट uh, जो है उसको अडॉप्ट करे और एक रीजनल uh, लेवल पे पर हो सके गवर्नमेंट अडॉप्ट गें राजा साहब नई चीज़ अगर चाहिए चीज़े सारी चीज़ें तो बहुत पुरानी है ना कल्चर हेरिटेज तो हमारा सदियों का है और चलें काम दे रहा है दुरुस्त है वाली बात है आपके दौर में अभी स्टार्ट हुआ है ये नई चीज़ है बेसिकली किस तरह देखते हैं आप इसको जी शबीर मीर साहब पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा उसके बाद तो हमारी जारा साहिबा का आ, देखें ये वाकई में हमारे लिए तो एक नई चीज़ है जो इनिशिएटिव को लेकर ये जिस पैशन के साथ जिस विजन के साथ ये हेरिटेज़ के ऊपर काम कर करें इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसके तकरीबन पाँच छः सालों से ये से खत्े के लिए काम कर रहे हैं कैलाश चतराल वैली से लेकर कैपिके से लेकर अच्छा। जी के खरमंग और गाछे तक आ, तो मैं बड़ा अप्रिशिएट भी करूँगा इनके जो आइडियाज़ हैं इनके जो कंसेप्ट हैं इनके अंदर जो आ, उसको वाकई में गवर्नमेंट को इस चीज़ की जो है ना ज़रूरत भी थी आर्कियोलॉजी के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है इस वक्त हम कर भी रहे हैं तो पहली दफ़ा हमने अपने आर्कियोलॉजी के जो डायरेक्ट्रेट को स्टैंड किया उसको अलग से एक डायरेक्टरशिप दी और उसको हम चाह रहे हैं कि इस इलाके की जो ह्यूज आर्कियोलॉजी के जो यहाँ पे असासे हैं हमारे पास जो आशार कदीमे हैं जो हमारे पास हैरिटेज उसके प्रोटेक्शन के लिए उसको रिस्टोर करने के लिए हमारा फोकस ऑलरेडी है इसके ऊपर और इसके लिए सबसे बड़ी एक अच्छी बात आज हमने इनके साथ मिलकर बहुत सारी चीजें हम इनसे भी करना चाह रहे हैं बहुत सारी चीज़ें इनके साथ शेयर करना भी चाह रहे हैं बहुत सारी चीजें इनसे सीख कर हम आगे चलना भी चाह रहे हैं तो इसमें ये कि सबसे पहली जो चीज है वो हम डेटा कलेक्शन के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं किसी भी चीज में नहीं है तो मैं सबसे पहले इस चीज के साथ मैम साथ एग्री कर रहा हूँ इनके टीम के साथ हम कोई इस तरह से काम करेंगे कि जी के अंदर जो पोटेंशियल है जो हेरिटेज़ है उनके डेटा क्लेक्शन हम शुरू करेंगे जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा उसके बाद हम ये चाह रहे हैं कि उसको कैसे हम प्रिजर्व करें कैसे हम प्रोटेक्ट करें आने वाले वक्त क्या मुश्किल इनके लिए आगे फेस करना पड़ रहा है उस प्रोटेक्शन के लिए उसको कैसे हम आ, जी बी के आवाम के लिए यूटिलाइज़ करवाएं लोगों के लिए अट्रैक्शन उसके अंदर कैसे लाए जाए क्योंकि जी भी जितना गिलगित बल्तिस्तान खूबसूरत है उतने ही यहाँ के लोगों के रहन और सहन भी खूबसूरत है यहाँ के लोगों के आदाब यहाँ के लोगों के कल्चर यहाँ के लोगों के एटमोसफियर तो हम ये चाहेंगे कि हम अपने कल्चर को प्रमोट करें जिस तरह हमारे आ, कब में जो बुजुर्गान जिस अंदाज़ में वो रहते थे इस इलाक़े में

एक टूरिज्म के अथॉरिटी बन रहे हैं जिसके अंदर okay. ये सारी चीज़ें हम मेंशन कर रहे हैं कि आर्कियोलॉजी के ऊपर किस तरह से हमने फोकस करना है कल्चर को हमने किस तरह से प्रमोट करना है टूरिज्म को कैसे हमने देखना है इको टूरिज्म हो फ्रेंड, इको फ्रेंडली टूरिज्म हो और प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा जो इन इस इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है आज अगर हम हेरिटेज को

आ, कैसे अवाम के लिए वो एज एट इज़ हम प्रिजर्व वो कर सकें दिखा सकें लोगों के लिए हमारा कल्चर क्या है हमारा रहन और सहन क्या था क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए फोकस करता है कि यहाँ के कल्चर को वो यहाँ के कुछ ऐसे देखना चाहते हैं कि वो यहाँ आके हमारे कल्चर को हमारे रहन सहन को जिस तरह से हमारे लोकल ट्रेडिशन है उसको वो देखना चाहते हैं यहाँ पे क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह से टूरिज्म एडवेंचर टूरिज्म है उसी तरह से कल्चर टूरिज्म भी है और इसी तरह से रिलेजनिक टूरिज्म भी है तो ये कल्चर टूरिज्म के अंदर आता है कि लोग आके यहाँ पे इंजॉय करना चाहते हैं यहाँ के एटमासफियर को यहाँ के इलाके की खूबसूरती को उसी के हिसाब से वो यहाँ के जो है ना रहन सहन को लोग किस तरह रहते थे पुराने वक्तों में और हम किस तरह से रह रहे हैं हम बजाय यूरोप और सिटीज़ uh, को फॉलो करने के अगर हम अपने अब, अब अजदाद को फॉलो करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक कामयाबी भी होगी आने वाले वक्तों के लिए भी क्योंकि दुनिया में वही कौमें आज तक आबाद भी हैं कामयाब भी हैं जो अपने कल्चर अपने रहन सहन को अपने जबान को, को उसको प्रमोट करते हैं सर साहब इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए जबान के हाले से मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि हमारे गलगित पालस्तान की जबान तो बस ये कहते हैं कि हवा के ऊपर रहें किसी भी टाइम ये मतलब वैनिश हो सकती हैं क्योंकि कोई रस्म-रिखत की बातें जी बिल्कुल चार्ट एफर्ट्स हैं इसको आप कोई गवर्नमेंट के रसाता के ऊपर कोई देने की सोच रहे हैं बिल्कुल दे रहे हैं अल्फाबेट्स को हम इंट्रोड्यूस करें रहे हैं इंशाल्लाह सून के ऊपर हम काम करें रहे हैं से हमारे कोई टीम है कर, इनके साथ कोलैबोरेशन में वहाँ के जो लोकल गिलगित बल्स्तान के जो पाँच छः ज़बानें हैं उनको हम चाह रहे हैं कि इनके अल्फ़ाबेट्स को हम पुराने जो हमारे कुछ असासे हैं अभी भी हमारे दरमियान जो इन जबानों को समझते हैं इन जबानों के अल्फ़ाबेट्स को भी समझते हैं उनसे हम चाहते हैं कि फ़ायदा हो एजुकेशन में ये सारी चीज़ें हम्प्ली okay. देख रहे हैं कि कहाँ से हमें क्या मवाद मिलेंगे हम किस तरह से अपने इस जबान को किसे इंट्रोड्यूस करना है तो इन कोशिश कोशिश जी बिल्कुल सही मतलब कोशिश से मुराद मुरादी है कि कोई बजट एलोकेशन जी बिल्कुल है बिल्कुल है सर बिल्कुल बजट भी फंडिंग जब तक फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगी आप कुछ भी नहीं कर सकते कोई भी हो या हेरिटेज हो या कल्चर हो या कहीं पर भी सही मैं जहरा साहिबा की तरफ आना चाहूँगा जहरा साहिबा रिपोर्ट तो मेरे सामने आपकी काफ़ी अच्छी खासी हैवी सी पड़ी हुई है लेकिन इससे पहले कि मैं रिपोर्ट के ऊपर आऊंगा थोड़ा सा हमें कोई क्रक्स में ये बताइए वन टू थ्री कि इस वर्कशॉप के अंदर आपने गवर्नमेंट को क्या प्रपोज किया है क्या नई चीज़ें क्या आइडेंटिफिकेशन yeah. है हम लोगों ने जो अपना रिसर्च uh, किया है डॉक्यूमेंटेशन किया है और आज हम लोगों ने जो वर्कशॉप एंड की है उसके अंदर हम लोगों ने लोकल स्टेक होल्डर्स से भी रिकमेंडेशन लिए हैं तो पहली चीज़ तो ये हमने डिस्कस की है कि इन्वेंटर होनी चाहिए हेरिटेज no. साइट्स की सो दैट्स द फर्स्ट थिंग नॉट जस्ट टेंजल हेरिटेज बट आल्सो इन हेरिटेज सेकेंड uh, पे हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारे सिर्फ हेरिटेज uh, इस सेंस में इंडेंजर्ड नहीं है बल्कि क्राफ्ट भी बहुत इंडेंजर्ड है तो क्राफ्ट uh -huh. के ऊपर एक प्रॉपर uh, स्ट्रेटजी के साथ चलने की ज़रूरत है और थर्ड uh, हमने रेकमेंड ये किया है कि बिल्ट एनवायरनमेंट गाइडलाइंस एंड बायो लॉज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है बिकॉज़ विद द इन्फ्लक्स ऑफ टूरिज़्म बहुत ज़्यादा प्रेशर है इन वैलीज़ के ऊपर uh -huh. और uh, जब तक हमारी प्रॉपर टाउन प्लानिंग बिल्डिंग प्लानिंग नहीं होगी uh -huh. तो वो चीज़ सस्टेनेबल uh, नहीं रह सकती आम लोगों के समझ के लिए मैं ये सवाल मासूमाना सवाल लिया मैं पूछ रहा हूँ कि क्लाइमेट से आ, ये आपके हेरिटेज को किस तरह का थ्रेट है थोड़ा सा समझाया जी बिल्कुल क्लाइमेट uh, से हमारी हेरिटेज को मुख्तलिफ किस्म के थ्रेट्स हैं सो फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज से इंड्यूस्ड आउट माइग्रेशंस भी हैं क्लाइमेट चेंज से इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट्स भी हैं जब डिस्प्लेसमेंट होती है और लोग फिर अपने घर नए जगहों पे बनाते हैं तो वो नए मटेरियल्स को इस्तेमाल करके बनाते हैं सो वनाक्यूलर आर्किटेक्चर जो है वो भी इंडेंजर्ड हो रहा है इसकी वजह से उसके अलावा जो लोगों की प्रैक्टिस हैं या जो उनके क्रॉपिंग पैटर्नस हैं या जो उनकी नोमैडिक पेस्टोरलिज़म है ये वाली सारी प्रैक्टिसज हैं ये भी सारी इफेक्ट हो रही हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज माउन आर्किटेक्चर गाइडलाइंस थोड़ा सा बताइए इसके हवाले से जी माउंटेन आर्किटेक्चर गाइडलाइंस एक डॉक्यूमेंट है ये हमारी पिछले आठ साल की रिसर्च जो हम लोगों ने माउंटेन एरियाज़ में कंडक्ट की है आठ साल गी। रिसर्च हमने की है इन डिफरेंट वैलीज और हमने उसके अंदर जो आर्किटेक्चरल पैटर्न लैंग्वेज होती है एक उसको हमने मैप किया है कि वेनाकुलर आर्किटेक्चर की पैटर्न लैंग्वेज क्या है फॉर्म किस तरह से लोकल कम्यूनिटीज़ डिवेलप करती हैं ओवर मिलेम्स oh. तो उसको हम लोगों ने डॉक्यूमेंट करके फिर इस uh, इसको हमने प्रपेयर uh, किया है पॉलिसी को जिसके अंदर वी हैव सजेस्टेड गाइडलाइंस फॉर सस्टेनेबल टूरिज़म जिसके अंदर कम्यूनिटी वेलबींग well भी हो लैंडस्केप oh. वेलबींग well भी हो फाइनेंशियल सस्टेनेबलिटी भी हो और विज़िटर oh. फुलफिल्मेंट भी हो और उसके बाद जो इसका सेकेंड पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट है दैट बेसिकली टॉक्स अबाउट द बिल्ट इन्वायरमेंट गाइडलाइंस सो बिल्डिंग्स आपकी कैसी होनी चाहिए साइट सिलेक्शन किस तरह करें बिल्डिंग फेस किस तरफ करनी चाहिए मटेरियल्स कैसे होने चाहिए रूम्स के साइज़ uh, किस किस्म के होने चाहिए कहाँ पे आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं पैसिव स्ट्रेटिजीज़ क्या यूज़ कर सकते हैं सो एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन द लोकल रिसर्च दैट वी हैव डन बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट कि जहाँ पे आपने कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है तो रिसर्च भी उसी जगह पे होनी चाहिए राइट 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 मैं मैस्टर साहब जैसा साहब ने तो ये गाइडलाइंस क्या हाल है आपको अब मुझे ये बताइए हुकूमत किस सतह पर आप इसको एडोप्ट करेंगे कानून साजी में कोई हेल्पफुल uh, दिया होंगी ये गाइडलाइंस आ, जी देखें शबीर साहब एक चीज़ इसमें जो इन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ें हमसे शेयर की हैं उसको हम कोशिश करेंगे कि इस आर्कियोलॉजी में हम इम्प्लीमेंट करें इन चीज़ों के ऊपर जो हमारी जो पॉलिसी बन रहे उसके अंदर भी आए कुछ चीज़ें जो वाकई में हमारे लिए बड़ा एक मुफीद भी होगा तो एक चीज़ जो इनसे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ इन्होंने एक मिनी म्यूजियम का जो कंसेप्ट लाया जो कम्यूनिटीज़ के अंदर Right. जो ऑलरेडी इनकी इन प्रैक्टिकल मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है तो ये हम चाहेंगे कि हम अपने कम्यूनिटीज़ में इस मिनी म्यूज़ियम को इंट्रोड्यूस करें ताकि हम अपने इलाके के लिए कुछ लोग बाहर से आते हैं तो कुछ चीज़ें आपके पास हो जो कि आप दिखा सकें लोगों के लिए ये उस म्यूजियम के थ्रू ये उसी लोकेलेटी उसी कम्युनिटी के अंदर आ, ये जिस तरह की म्यूजियम की चीज़ें होंगी क्या होगा इसका थोड़ा सा नहीं इसमें ये होगा देखें अगर कोई हुनजम में अगर बनते हैं फर्ज करें कि उसमें ये होगा कि हम वहाँ पर पूरे हंजे की एक ट्रेडिशनल जो इनके जो वहाँ पे पुराने वक्तों की जो चीज़ें हैं जो आलत है, जो इस्तेमाल करते थे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लोग इस एरिए के किस रहन व सहन के जो तरीके हैं जो बल्तिस्तान में अगर हम बनाते हैं तो वहाँ पे बल्तिस्तान के जो कल्चर ड्रेसेस, जो चीज़ें वो वहाँ पे इस्तेमाल में उस वक्त के दिनों के थे उसको हम लोगों के दुनिया को दिखा सकते हैं right. लोग आएंगे तो हमारे हिस्ट्रीस जानना चाहते हैं लोग आएंगे तो हमारे पास जो म्यूज़िक्स यहाँ पे जो नायाब होते जा रहे हैं जो हमारे ट्रेडिशनल लोकल hmm. जो म्यूज़िक्स हैं उसको हम वहाँ पे डिस्प्ले में रखना चाहते हैं कुछ चीज़ें जो हिस्टोरिकल uh, हमारे पास हैं जो बुक्स हैं जो पुराने जमाने hmm. के जो रसम हैं जो हमारे पास मुख्तलिफ़ डाइवर्स जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ानें हैं आपने देखा होगा कि छोटी सी इस खूबसूरत सरजमीन पर पाँच छः किस्म के बहुत खूबसूरत ज़बानें भी हैं तो इन जबानों के अपने अपने एक कल्चर भी है, अपने अपने एक रहन सहन है तो उस म्यूज़ियम्स के अंदर अभी गज़र में जाएँगे तो आपको पूरे गज़र के एटमासफ़ियर नज़र आएगा हुनजा में जाएंगे तो आपको हनज़ा के अंदर जो भी हूं की जो ट्रेडिशन है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा अब बल्तिस्तान आते हैं तो बल्तिस्तान की जो 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 लोगों का रहन सहन वो सारी चीज़ें वहाँ लोग लोग आके वहाँ देख सकें तो हम चाहते हैं कि इन हम अपनी त को प्रोटेक्ट करें हम अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करें हम अपनी जिस तरह से हम चाहते हैं कि हमारे हेरिटेज़ को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इनको हम रिस्टोर करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ही हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा कि हम अगर इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं जैसे कि हमारी हुकूमत की मेन प्रायोरिटी भी, भी है इसमें पी से भी हमने एक फ़ंडिंग की इस दफ़ा नेक्स्ट उसमें हमने रखा है कि हेरिटेज़ के ऊपर हम बहुत ही एक इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं उसमें हम कंसल्टेंसीज़ भी इस दफ़ा कर रहे हैं इनमें जो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि डेटा की जो इनके साथ मिलकर हम इनशाला सोन गिलगित बल्तिस्तान में डेटा कलेक्ट करेंगे कितने हेरिटेज़ हैं जिसको फर्स्ट टॉप uh, उस पे रखेंगे कि कोई ज्यादा डेमेज होने का खतरा है उसको हम पहले प्रिजर्व करेंगे उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है तो हम कोशिश करें कि हम की ये कर... बनने साइड जी के इसके अंदर जो पूरी जो हमारा आर्कियोलॉजिकल पूरा रॉक रॉक कार्विंग्स वाला जी बिल्कुल हल तो बजाय जी बिल्कुल है हल वापडा के साथ हमने एक दो मीटिंग्स ब्रीफिंग्स भी इसके बारे में हुई है उस पर थोड़ी कंसल्टेंसीज भी उन्होंने इसके ऊपर की है इनके एडवाइजर भी उन्होंने इसी क्राविंग्स के लिए फरियाल गोहर साहबा को भेजा था हमने बहुत सारे मुकाम की जो है ना सर्वे भी की है बहुत थर्टी सिक्स थाउजेंड्स रोविंग्स है वहाँ पर इनको हम चाहते हैं कि प्रिजर्व करें वहाँ पर ओपन एयर म्यूजियम में हम इसको लाना चाह रहे हैं जो स्टोन हम रिमूवेबल हैं जिनको आ, उसके साथ साथ दियामर में एक पुराना सिखों का एक जो है ना पुलिस स्टेशन जो किला होता था उसको अभी पुलिस वालों के अंडर में है तो वाबडा से ये बात हुई है कि वो इसको जो है ना बैरक्स बना के देंगे वो हम एज यू, यूटिलाइज करेंगे उस क्या को चलते चलते ये हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल इसके लिए डिस्कशन चल रहे उस जगह के लिए राय साहब से भी बात हुई है उस पे इंशाल्लाह हम सोन वही एक ऐसा कंसेप्ट ऐसा म्यूजियम हम लॉन्च करेंगे इनके साथ बैठ कर कुछ चीजें डिस्कशन अभी फाइनल नहीं हुआ है पाइपलाइन में है बहुत सारी चीजें इनके आपस के कुछ इश्यूज की वजह से लेकिन हम उसको जल्द रिस्टोर करेंगे वहाँ पे ऑलरेडी लोग काफ़ी विजिट भी करते हैं लोग टूरिस्ट भी आते हैं लेकिन अभी तक जो भी जाते हैं वहाँ पे इनको प्रॉपरली इंफॉर्मेश्स वहाँ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है तो है। ये हमारा मेन फोकस है कि हमने अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना है लोगों को बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया राजा नासर साहब और बहुत शुक्रिया डॉक्टर जहरा आपकी प्रोग्राम में आमद के लिए आपके वक्त का शुक्रिया नाजिम प्रोग्राम देखने का शुक्रिया फिर तक ज़रूर दीजिए इजाज़त दीजा